नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com पर और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए हेडलाइंस में सबसे पहले देखते हैं देश की खास खबरें। अमेरिका में इस मौसम में फ्लू से 2300 से अधिक मौतें। देश की अदालतों में 5 करोड़ केस पेंडिंग, कानून मंत्री लोकसभा में बोले सुप्रीम कोर्ट में 80,000, हाई कोर्ट में 61 लाख से ज्यादा मामले। असम सरकार अगले साल फरवरी में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए पेश करेगी विधेयक। झारखंड के कांग्रेस सांसद ने कहा 350 करोड़ मेरे नहीं, सारे पैसे परिवार के, इसे पार्टी से न जोड़ें। चेन्नई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 12 करोड़ रुपए की कोकीन, एक अरेस्ट। आइए अब नजर डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर। राजस्थान सीएमओ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के उप सचिव एपीओ जयपुर पहुंचे। नई सरकार को चुनौती, दौसा में बाइक सवार बदमाशों ने छात्राओं के गले और हाथ को धारदार हथियार से काटा। पद संभालते ही एक्शन में सीएम भजनलाल, पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी गठन एवं एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स गठन के दिए निर्देश। आइए अब देखते हैं बॉलीवुड जगत की खास खबरें। राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे सेलिब्रिटीज, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और अक्षय कुमार को नियुक्त। 16 दिसंबर से शुरू होगी डंकी की एडवांस बुकिंग, शाहरुख ने शेयर किया पोस्ट, बोले 6 दिन बाद रिलीज होगी फिल्म। आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत की खास खबरों पर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम स्पेन से 0-1 से हारी। मुंबई इंडियंस के नए कप्तान बने हार्दिक पांड्या। आइए अब देखते हैं कारोबार जगत की प्रमुख खबरें। सरकार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की ऑनलाइन खरीद पर देगी छूट। विदेशी मुद्रा भंडार 606.9 अरब डॉलर पर पहुंचा 4 महीने का उच्चतम स्तर। आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरों पर। यूक्रेन में ग्रेनेड विस्फोट में 26 लोग घायल। IDF ने गाजा में गलती से 3 इजरायली बंधकों को मार डाला। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें और साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और प्ले स्टोर से जाकर हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।